सोशल मीडिया वाला प्यार पाकिस्तान का नया हथियार। लव इज ब्लाइंड, साजिश के पीछे आईएसआई मास्टरमाइंड। हिंदुस्तान में जिहादी लव ट्रैप, हिंदुस्तानी बेटियां टारगेट। लव बॉम्ब मेड इन पाकिस्तान। न नजरों को फेरिए, न पुतलियों को घुमाइए, बस देखते जाइए। ये सीमा पार से मोहब्बत की आड़ में जहरीली साजिश की वो तस्वीर है जो सरहद पार बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के खतरनाक इरादों को बेपर्दा करती है। पाकिस्तान के पास खाने को लाले, आटे और चावल के लिए लोग लाइनों में खड़े, लेकिन भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू पर गिफ्ट की बारिश हो रही। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नसरुल्ला के रिश्तेदार पाकिस्तान के बिजनेसमैन उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अंजू को शॉल ओढ़ाकर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इन तोहफों की कीमत हैरान करने वाली है। नसरुल्ला से शादी के बाद अंजू को 40 लाख का फ्लैट, 10 मरला हाउसिंग लैंड यानी करीब 252 वर्ग मीटर जमीन और 50,000 रुपए का चेक बतौर गिफ्ट मिला है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जिस वक्त अंजू को लाखों के गिफ्ट दिए गए, उसके चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं थे, बल्कि अंजू के चेहरे पर खौफ को साफ पढ़ा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी को लाखों का गिफ्ट मिले और उसके चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान तक नहीं हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अंजू को दिए गिफ्ट में मोहब्बत का फरेब तो नहीं छुपा है? इन सवालों का जवाब इन्हीं तस्वीरों में छिपा है। एक और अंजू को लाखों के गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो अंजू के ठीक पीछे एक युवक हथियार थामे खड़ा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सवाल पूछती है, क्या पाकिस्तान में मोहब्बत की आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या सरहद पार लाखों के गिफ्ट के जरिए हिंदुस्तानी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाने का गेम प्लान तैयार हो रहा है? अंजू के पीछे किसके आदेश पर हथियार बंद लड़ाकों को तैनात किया गया? क्या मोहब्बत के नाम पर नफरत वाली साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है। लोगों के पास दो वक्त की रोटी के लाले हैं, लेकिन अंजू के लिए तो जैसे पूरा खजाना खोल दिया गया है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी कारोबारी देश के हालात सुधारने के बजाय अंजू को गिफ्ट देने पहुंच रहे हैं। इनमें एक नाम पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मोहसिन खान अब्बासी का है, जो साफ संकेत है कि मोहब्बत वाली कहानी के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। कहानी साजिश की, कहानी फरेब की, कहानी खौफ के जरिए हिंदुस्तानी अंजू डेविड का जबरन धर्मांतरण कराने की है, जबरन मुसलमान बनाने और निकाह पढ़वाने की है। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनके ये ससुराल यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा भी, जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार आईएसआई के इशारे पर मोहब्बत की आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके टारगेट पर है हिंदुस्तानी बेटियां। खबर है साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में कई लड़कों को लगाया गया है जो हिंदुस्तान की 4 से 5 लड़कियों के संपर्क में हैं, और इस साजिश को अंजाम देने के लिए अब अंजू को मोहरा बनाया जा सकता है।